नमस्कार, शेष खबरों के सभी दर्शकों को जुड़ने के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं कथक नृत्यांगना नलिनी कमलिनी आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ, प्रसन्न और घर तक सीमित होंगे। आज बुध पूर्णिमा है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस लॉकडाउन पीरियड में हम बहुत जीवन में असंतुलन अपना बनाए हुए हैं और हम अपना संतुलन पुनः बना सकते हैं। किससे? महात्मा बुद्ध की शिक्षा से, क्योंकि उन्होंने जीवन में संतुलन को बहुत महत्व दिया है। उनके एट फोल्ड पास में संतुलन का ही जिक्र है, वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक व्याधि, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक संकल्प। अगर हम इन सब चीजों का अपने जीवन में ढाल लें और इस राह में चलें, तो हमको इस लॉकडाउन पीरियड में आनंद ही आनंद मिलेगा। ये सब परम आत्माएं स्वयं में तो एक जीवन को संदेश देती हैं, लेकिन उनसे जुड़े हुए हर व्यक्ति जीवन में एक आदर्श लिए होते हैं। हमारे गुरुजी जितेंद्र महाराज जी ने एक कंपोजिशन करी यशोधरा की, जो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। मैंने जब उसको पढ़ा तो मुझे इतना आनंद आया और मैं उसमें खो गई। जब कोई सुविधाएं नहीं थी, एक व्यक्ति ने कितना प्रचार किया और उस प्रचार से पहले तो ज्ञान अपने में लिया और उस ज्ञान का प्रकाश दूसरों में फैलाया। देखिए यशोधरा जी कितनी व्याकुल है जब महात्मा बुद्ध उनको छोड़ के चले गए। कहती है, जल में शतदल तुल्य सरसते, तुम घर रहते हम न तरसते, देखो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, आ भी जाओ अब आ भी जाओ, ओ बनवासी ओ बनवासी। लेकिन जब महात्मा बुद्ध आ जाते हैं और वो देखती हैं कि उनके इतने अनुयायी हो गए हैं और वो बौद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें अमृत मिला है, तो सोचती है वो मुझ तक क्यों सीमित रहे। तो क्या कहती है, जाओ नाथ अमृत लाओ तुम, मुझ में मेरा पानी, चेरी ही में बहुत तुम्हारी, मुक्त तुम्हारी रानी, प्रिय तुम तपो सहू में भरसक, देखूं बस ये दानी, कहा तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण का। देखिए नारी का त्याग कैसे, उन्होंने बिल्कुल मन से भावी त्याग दिया। और वो उनको क्या कहती है, भिक्षुक बन, तुम भिक्षुक बन कर आए थे, गोपा क्या देती स्वामी, था एक अनुरूप रूप ये राहुली, सदा रहे अनुगामी, बुद्धम शरणम गच्छामी, धम्मम शरणम गच्छामी, संगम शरणम गच्छामी। और वो अपने पुत्र को उस राह में चढ़ने का अनुसरण करने के लिए दे देती। कितना बड़ा त्याग है नारी का। मानव प्राणी का जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना, और ये वो अवस्था है जिसमें परम आनंद और परम आत्मा का आभास होता है, उसकी प्राप्ति होती है। और मनुष्य इस आवागमन के चक्र से विमुक्त हो, एकाग्र हो जाता है उस अलौकिक परम शक्ति में। अस्तो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृतो मा अमृतगमया। अर्थात आइए हम सब चलते हैं अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर। ओम शांति शांति शांति।